शिवानी, उसके बाद जो रोहित है उसको उसके घर छोड़ गया और उसका कल 164 की स्टेटमेंट हमने करवाई है, उसका मेडिकल करवाया जाएगा और आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि शिवानी जो है वो लापता हुई थी, शिवानी को पड़ोस का ही रहने वाला रोहित नाम का युवक जो है अपने साथ लेकर फरार हो गया था, ये मामला काफ़ी सुर्खियों में आ चुका था। जी आपको बता दें, जिसके चलते पुलिस पूरी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और जैसे ही उसके पिता को घर से अरेस्ट किया जाता है, उसके भाई को अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद रोहित तक ऐसी सूचना पता चल जाती है कि तेरे पिता और तेरे भाई को अरेस्ट कर लिया गया है। उसके चलते रोहित एक दिन पहले यानी परसों की रात ही शिवानी को उसके घर छोड़ जाता है। आगे की जानकारी हम पुलिस अधिकारी जो SHO सदर हैं उनसे लेने की कोशिश करेंगे। हमारी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। कहना चाहेंगे जो एक शिवानी लापता आई थी उसको लेकर क्या आपके पास जानकारी आई है सर? शिवानी जब गायब हुई थी तो उनके घर वालों ने एक कंप्लेंट हमें दी थी जिसपे हमने FIR दर्ज कर दी थी, तो उसमें रोहित नाम के लड़के के ऊपर आरोप लगे थे। जो हमने पूछताछ के लिए उसके फादर को बुलाया था, जो शिवानी उसके बाद जो रोहित है उसको उसके घर छोड़ गया और उसका कल 164 की स्टेटमेंट हमने करवाई है, उसका मेडिकल करवाया जाएगा और आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर मेडिकल कब होगा? मेडिकल अभी डॉक्टर ने 2-3 दिन का टाइम दिया उसमें। तो सर क्या उसको रोहित को पता लग गया था कि मेरे पिता और मेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया? शायद कोई ऐसी सूचना उसके पास पहुंच गई थी, इसीलिए वो उसको जो अभी तक सामने आया है कि उसको वहां छोड़ गया। बाकी जब उसको अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट करने के बाद सारी बात क्लियर हो जाएगी। सर कब तक पुख्ता इंक्वायरी चल रही है अरेस्ट करने की? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, उस पर जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उसके पिता और जो भाई अरेस्ट किया था उन्हें? नहीं, उनको अरेस्ट नहीं किया था, वो तो पूछताछ के लिए जस्ट हमने बुलाया। सर शिवानी से बात हुई है कि उसको कहाँ लेकर गए, उसका क्या कुछ कहना है? उसका अभी 164 की स्टेटमेंट हुई है, उसके अनुसार उसके आरोप रोहित के ऊपर ही आरोप लगाए हैं उसने। जो बाकी अभी मेडिकल होगा, फिर आगे की इन्वेस्टिगेशन मेडिकल होने के बाद ही होगी। कुछ बताया उसने शिवानी ने कि उसके साथ कोई मारपीट की गई है? तो उसने फिलहाल तो मारपीट वाली तो कोई बात नहीं बताई है, उसको यही था कि भाई मेरे को कोई ऐसी वस्तु सुंघा के और वो ले गया था वहाँ से, और बाकी अभी मेडिकल कराएंगे, मेडिकल आने के बाद ही स्पष्ट बता। तो रोहित की लोकेशन वगैरह नहीं पता लग पा रही? नहीं, मोबाइल उसका अभी तक बंद ही है, लोकेशन नहीं है उसकी, मोबाइल बंद है। सर रोहित के परिवार को जानकारी थी, उसकी माता को और पिता को, कि वो रोहित शिवानी को लेकर गया? देखो अभी इसमें गहनता से पूछताछ की जा रही है, पूछताछ करके जैसे भी तथ्य सामने आएंगे फिर वो आपको अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।